your life. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Lots of prayers and lots of blessings your way. I hope aap sab log bilkul theek thaak hain. I am very very well, very good. These days, as you people know, that I am walking in the morning, early morning walk can make your life so beautiful. I never knew that. I am enjoying my life so beautifully, and I'm so happy that eventually I started doing that, and I'm very much enjoying that. अच्छा, ये जो वॉक वो कर रही हूँ ना मैं, वाइल वॉकिंग देर आर सो मैनी थाट्स दैट कम्स टू माई माइंड एंड दे कम टू माई माइंड एंड आई फील लाइक शेयरिंग ऑल दोज थाट्स विद यू. और इंटरेस्टिंगली वहाँ पर कुछ ऐसी फीमेल्स, कुछ ऐसी फ्रेंड्स बन गई हैं या जो वहाँ पर आती हैं वॉक के लिए खवातीन, somehow they end up coming to me and they share their hearts with me, and I feel so good, and they share their problems. Something someone shared during the walk, and just one question came to my mind that I asked her. Zahir, aapko pata hai ki aajkal jo circumstances hain, halaat hain, har koi har lihaz se disturbed hai. और स्पेशली जब हम डिस्टर्बेंस की बात करते हैं तो वो डिस्टर्बेंस का जो आगाज़ है वो हमारी सोचों से होता है. जो हमारी सोचें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का शिकार हैं, हम अपने से ज़्यादा लोगों के हवाले से सोच रहे होते हैं, अपनी ज़िंदगी के बारे में या अपनी ज़िंदगी पे फोकस करने की बजाय हमारी कोशिश ये होती है कि हम देखें कि वी आर मोर इंटरेस्टेड इन अदर्स लाइफ, व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट्स हैपनिंग इन देयर लाइफ, कौन उनसे मिल रहा है, कौन उनके पास जा रहा है, जिसकी वजह से अनवांटेड नेगेटिविटी हम अपनी ज़िंदगियों में क्रिएट भी कर रहे होते हैं, वेलकम भी कर रहे होते हैं. और एक चीज़ जो आजकल सोशल मीडिया जिस पे हम अपनी छोटी सारी बातें शेयर करते हैं, कि देयर वाज दिस टाइम आई रिमेम्बर कि जब हमारे बुज़ुर्ग हमें कहा करते थे या वो कहते थे कि भाई अगर कोई ऐसी अचीवमेंट है तो दे वुड नॉट से कि उनके लोगों के साथ शेयर नहीं करो, मगर उसको शो ऑफ करने की भी ज़रूरत नहीं है. बट दीज डेज ऑन सोशल मीडिया लाइक इंस्टाग्राम और लाइक फेसबुक एंड अदर जो हमारे मीडियम्स हैं, उनके ज़रिए हम इस कदर शो ऑफ कर रहे होते हैं चीज़ों की, एंड वी आर वेलकमिंग द नेगेटिव थॉट्स, एंड वी आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट के हे लुक एट दिस एंड हे लुक एट दैट, एंड यू नो देन इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस एंड स्टफ लाइक दैट. सो वन, ये जो नेगेटिविटी है ये हमारी सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी है, और इसका ओरिजिन जो है, द सीड ऑफ दैट नेगेटिविटी इज आवर थॉट्स, एज वी हैव बीन शेयरिंग इट विद यू, आई हैव बीन डिस्कसिंग इट विद यू, दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर थॉट्स. थॉट्स आर लाइक द सीड. हम जो सीड बोते हैं, हम जो बीज बोते हैं, दरख्त उसी चीज़ का निकलता है. सो इफ़ आवर थॉट्स आर पॉजिटिव, इफ़ वी थिंक पॉजिटिव, इफ़ वी आर यू नो हमारा ध्यान जो है वो पॉजिटिविटी के ऊपर होगा, अच्छाई के ऊपर होगा, नेकी के ऊपर होगा, चाहे वो आपके अपने लिए हो, चाहे वो दूसरों के लिए हो, तो इवेंचुअली उसका जो आउटकम होगा इट्स गोइंग टू बी रियली ब्यूटिफुल. उसका जो शजर लगेगा, जो उसका दरख्त लगेगा, वो हेल्दी होगा, और उसके ऊपर लगने वाला फल भी इसी तरह से फ्रूट बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का होगा. सो द बॉटम और द बेसिक जो चीज़ है वो हमारे थॉट्स हैं. हर चीज़ का आगाज़ थॉट्स से होता है, सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर थॉट्स. एक सवाल जब मुझसे मेरी एक फ्रेंड या मेरी एक यू नो समबडी सिस्टर ऑफ माइन हु केम टू मी फ्रॉम somewhere, and then she asked me, and she was telling me her problems, ki ye hai, ye hai, ye hai, ye issue hai, ye issue hai, dekhi ye aise aise huge list. So I just asked her one thing, one question: what are you going to do if you find out that today is your last day on this earth? Your body has your soul only for today, like till midnight.
अगर वो सुबह समझें कि 12 बजे का वक्त है, या अब अभी इस वक्त जो भी वक्त हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 o'clock, जस्ट इमेजिन करें कि आपके पास सिर्फ मिडनाइट 12 बजे तक का वक्त है. इस टाइम में व्हाट आर यू गोइंग टू डू? कभी आपने ये बात सोची है? हम जब इस दुनिया में रहते हैं तो इस तरह से रहते हैं कि हम कभी इस दुनिया से कभी जाएंगे ही नहीं. वी नेवर थिंक ऑफ दैट मोमेंट व्हेन वी विल एग्जिट. और जब इस दुनिया से चले जाते हैं तो इस तरह से होता है कि जैसे हम कभी थे ही नहीं. ये इमाम की सेइंग है, इमाम अली अलैहिस्सलाम की. सो एक सेकंड के लिए ये सवाल मेरा, मेरी जो टॉपिक था आज का, वो भी यही था कि आई, मी, यू एंड ऑल ऑफ अस हु आर वॉचिंग एंड हु विल वॉच इट लेटर, प्लीज़ शेयर विद मी एक सेकंड के लिए. अपनी आँखों को अगर आप क्लोज करें, जस्ट क्लोज योर आइज एंड जस्ट इमेजिन व्हाट विल यू डू, व्हाट विल बी द थिंग्स टू डू लिस्ट, what are going to be those things that you would want to do if you would know that you are leaving this world. I wrote down a few things, what I thought that what I would do. I'm going to share that with you, and I would want you to share that with me. और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि हम किस रेस में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं. हम अभी रिसेंटली आयत्स फादर्स कज़न, वन ऑफ हिज कज़न्स हु वाज सो यंग, ही वाज ओनली आई गेस 25 और इन बिटवीन 25 एंड 30, ही पास्ड अवे. ऑल ऑफ अ सडन ही वाज एब्सोल्युटली फाइन. सुबह वो निकला है घर से पैराग्लाइडिंग के लिए. And you know, he was there in some here in Chitral, I guess. And he flew, and he never, when he came, his body came down and his soul flew away. ये हैं हमारी ज़िंदगियाँ. मगर हमने अपनी इस ज़िंदगी को में इतना कुछ झमघट्टा जिसे कहते हैं ना, इतना कुछ कर लिया है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड कर ली हैं अपनी ज़िंदगियाँ. व्हेन इट कम्स टू आवर होम्स, व्हेन इट कम्स टू आवर रिलेशनशिप्स, व्हेन इट कम्स टू आवर लाइव्स, व्हेन इट कम्स टू आवर माइंड्स, व्हेन इट कम्स टू आवर थॉट्स, हमने इवन वर्क्स, हमने इतनी चीज़, ऐसी ऐसी चीज़ों के पीछे भागना शुरू कर दिया है जो आपको फ़ायदा ही नहीं देंगी. हम जिस जिस्म में हम रह रहे होते हैं, जिसने इस ज़मीन पर ही रह जाना है, हम उसके लिए इतनी स्ट्रगल कर रहे होते हैं. वी आर डूइंग सो मच अपनी लुक्स के लिए, अपने चेहरे के लिए, अपने फेशियल्स, अपने पहनने ओढ़ने खाने पीने का. बट व्हाट आर वी डूइंग फॉर आवर सोल्स? वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट ऑल्सो. थिंग्स टू डू लिस्ट बिफोर आई एग्जिट. बिफोर आई एग्जिट, If I have one day, जब मैंने सोचना शुरू किया तो मुझे लगा कि अगर मुझसे ज़िंदगी में किसी का दिल मेरी वजह से दुखा है तो मैं कोशिश ये करूँगी कि मैं उनसे माफ़ी मांग लूँ. I will apologize to them because I don't want to leave this world if someone is angry with me. The most important thing that I would forgive everyone. जब हम ज़ियारात के ऊपर, उम्रा हज के ऊपर जब जा रहे होते हैं, तो इवन जब हम जा रहे होते हैं ना, तो हम एक मैसेज बना के कर देते हैं और एक फॉर्मेलिटी करते हैं पूरी, कि बस हमने मैसेज कर दिया कि हम जा रहे हैं और अगर हमसे कभी कोई गलती हुई है तो हमें माफ़ कर दीजिएगा. बट वो जो कहीं भी माफ़ी होती है ना, उसका कोई इम्पैक्ट होता है और ना उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि हम वो बात फॉर द सेक ऑफ इट कह रहे होते हैं. वी रियली डोंट मीन इट. हम रिलेशनशिप्स में अगर एफर्ट भी कर रहे होते हैं तो वी आर जस्ट मेकिंग एन एफर्ट जस्ट
टू हैव एन आउटकम कि हमारी ज़िंदगी के अंदर चीज़ें परफेक्ट हो जाएं. हमारी जो स्पिरिट है, हमारी जो रूह है, जो हमारी सोल है, उसकी क्वालिटी है प्योरिटी, उसकी क्वालिटी है प्यार, उसकी क्वालिटी है पावर, उसकी क्वालिटी है पीस, केयर, ऑल दीज पॉजिटिव क्वालिटीज़. ये हमारी, मगर आहिस्ता आहिस्ता हम इस दुनिया के, इस ज़िंदगी के दलदल में ऐसे धंसते चले जा रहे हैं कि हम उन क्वालिटीज़ से दूर होते जा रहे हैं. ये कहते हुए, उसने अगर ऐसा किया, अगर उसने मेरे साथ मिसबिहेव किया, तो मैं क्यों उसके साथ अच्छा एटीट्यूड रखूं? दैट मीन्स कि आप ये कहें कि अगर वो गरीब है तो मैं क्यों अमीर रहूं? दिस इज़, ये यू वुड नेवर से दैट. अगर उसके पास छोटी, हमारा एटीट्यूड ये है कि उसके पास अगर बड़ी गाड़ी है तो हमारे पास भी बड़ी होनी चाहिए, और उसकी वजह से इतनी हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं और अपने जो स्पाउसेस हैं उनकी ज़िंदगियों को इतना मुश्किल कर देते हैं, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट वुमेन, व्हाट दे डू विद मेन, इतना मुश्किल कर देते हैं उनकी ज़िंदगियों को कि वी हैव टू हैव दिस एट एनी कॉस्ट. हम ये बात क्यों नहीं करते कि मेरी उस फ्रेंड ने इतनी चैरिटी की है एंड आई वॉन्ट टू डू द सेम जो मेरे पास है. हम गुड क्वालिटीज़ और पॉजिटिव क्वालिटीज़ को अपनी ज़िंदगी में शामिल क्यों नहीं करते? दिस इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट. एनी वे, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हम ज़िंदगी में, पहली बात तो ये कि हम माफ़ करना ही नहीं चाहते. वी डोंट वॉन्ट टू से इवन से कि मैंने तुम्हें माफ़ किया. एंड यू नो, वेन वी डोंट फॉरगिव, दैट्स द टाइम वेन वी हैव दैट ग्रज इन आर हार्ट. एंड वो जो ग्रजेस जो हम रखते हैं अपने जहनों में, अपने दिमागों में, इवेंचुअली वो हमारी ज़िंदगी अपनी को मुश्किल कर देते हैं. और जो हम आजकल बहुत ज़्यादा सुनते हैं ना चीज़ें कि ये कैंसर हो गया और ये बीमारी हो गई और ऐसी ऐसी बीमारियों के नाम, इट इज़ बिकॉज ऑफ दोज नेगेटिव थाट्स जो हम होल्ड करके रखते हैं अपनी ज़िंदगियों के अंदर. अगर मुझे पता चल जाए दैट आई एम एग्जिटिंग टुडे, सो आई वुड वॉन्ट, जो टाइम मेरे पास है, आई वुड वॉन्ट टू हेल्प पीपल, आई वुड वॉन्ट टू बी नाइस टू पीपल, आई वुड वॉन्ट टू गिव ऑल द पॉजिटिविटी टू द पीपल अराउंड मी. आई वुड बिकम सच अ पर्सन जिसके वजूद से किसी को कोई परेशानी, कोई दुख ना पहुँचे. उसका रीज़न ये है कि मैं अब अल्लाह की बारगाह में, मुझे अंदाज़ा हो गया कि मैं जल्द जा रही हूँ अपने अल्लाह की बारगाह में, तो मैं कोई ऐसा हिसाब किताब ना रखूँ. अगर हम अपनी ज़िंदगी के हर दिन को इसी तरह से गुजारें एज इफ दिस इज़ द लास्ट डे ऑफ माई लाइफ एंड दिस इज़ द ओनली टाइम, दोज 24 आवर्स या जो भी है, इफ़ you know that's the only time we have, then I think things are going to be very 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 easy. So so the thing is, I have asked this question to you. Please mujhe thoda sa, if I can get all the questions now. So I would really want you guys to share with me that if you think that it's going to be the last day of your life, what are the things, what are maybe five things or two things or one thing, whatever, wo kya cheez aisi hogi that you would want to do in your life. फिर जब हम, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये सोचती हूँ कि अगर मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल पता चले दैट आई हैव टू एग्जिट एंड आई हैव टू लीव, वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू डू, दैट आई वुड लाइक टू डू अ लॉट ऑफ चैरिटी. बिकॉज मैं बचपन से ये हम सुनते आए हैं कि चैरिटी जो है वो इज़ बेसिकली इज़ लाइक, इट्स लाइक एन अकाउंट दैट यू ओपन इन विद अल्लाह सुभानहु व तआला, और जो कुछ आप वहाँ पर कर रहे होते हैं, जो कुछ आप वहाँ पर भेज रहे होते हैं, इट गोज टू हिम एंड दैट इज़ बेसिकली योर सेविंग अकाउंट. इंशाल्लाह इसके ऊपर भी मैंने एक छोटा सा वीडियो किया हुआ है, वो सून आई विल बी शेयरिंग इट विद यू.
So what all these are all the things that I think that I would love to do. Now I would like to read out a few comments here. Khush rakhe. Thank you, Fatima Noor. Assalamu alaikum. Fatima Noor said exactly. I would like to, the other day while walking, this idea came to my mind, this thought came to my mind, and I thought I would definitely share this thought with you. Hum apni zindagi mein diya, aap logon ne dekha hoga, diya jo jalate hain to roshni hoti hai. Diya jalta kaise hai? Diya jalta is tarah se hai कि दिया होता है उसके अंदर तेल डलता है और जब वो तेल डलता है तो एक रुई की बत्ती होती है लाइट होती है जिसको लाइक कर्व करके आपने वो रोल करके तो आप दिए के एज के ऊपर लगाते हैं और फिर जो वो लाइट होती है जो बत्ती होती है वो उस आधा हाफ से ज़्यादा के तकरीबन पूरी वो डिप हुई होती है पूरी डिप हुई होती है तेल में राइट और जब वो तेल में डिप हो जाती है उसके अंदर तेल होता है दिया वो जलता है माचिस से और वो लाइट करता है प्रोड्यूस जिसकी वजह से जो भी जगह होती है वो रोशन हो जाती है और लाइट हर तरफ फैल जाती है यानी रोशनी हर तरफ हो जाती है नूर हो जाता है रोशनी हो जाती है हम लोग अपनी जिंदगियों को अगर एक लम्हे के लिए ये सोचें कि हमारी जो जिंदगियां हैं हमारी जो जिंदगियां हैं हमारा जो जिस्म है फॉर इंस्टेंस या जो हमारी हमारी शख्सियत है हम एज अ ह्यूमन हम अपनी जिंदगियों को अगर उस दिए की तरह बिकॉज हम भी मिट्टी के बने हुए हैं ना दिया भी मिट्टी से बनता है अगर हम उस दिए को अपनी ज़ात को अपने आप को दिया कंसिडर अगर इंसान को दिया कंसिडर किया जाए तो उस दिए को थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी एंड आई होप आई कैन मेक यू पीपल अंडरस्टैंड ये जो दिया होता है ना हमारा हम दिया है उसके अंदर जो तेल डलता है वो तेल क्या है वो तेल है वो इल्म वो अहकामात वो डूज वो ऑर्डर्स जो अल्लाह सुभान व तआला की तरफ से हमें मिलते हैं डू अंडरस्टैंड हियर इज दिया वो दिया क्या है वो हम हैं वो दिया मिट्टी का वो हम हैं और उसके अंदर जो तेल डल रहा है वो नूर है वो इल्म है जो अल्लाह सुभान व तआला की तरफ से कुरान की सूरत में हमें मिला हम इंसानों को मिला और वो जो तेल हम लोगों को यानी जो हम जो फ्यूल अप जिसे हम कहते हैं जाहिर है वो अहकामात होते हैं जो हमें फ्यूल करते हैं हम उनको सुनते हैं तो हमारी ज़िंदगियां बेहतर होती हैं अब वो फ्यूल या जिसको हम कुरानी आयात कहते हैं इंसानों का फ्यूल है ना वो जो जो अहकामात हैं तालीमात हैं जो इल्म है कुरान का वो हम तक पहुंचा कैसे वो हम तक कैसे पहुंचा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हम कहते हैं ना कि उनकी ज़िंदगी जो उनकी सीरत पाक है वो कुरान है और जो कुरान है वो उनकी सीरत का को एक्सप्लेन कर रहा है सो ये जुड़े हुए हैं सो अगेन रीकैप ये दिया क्या है ये दिया ये हम हैं वो दिया हम हैं उसके अंदर जो तेल डलता है दैट्स द फ्यूल दैट वी गेट फ्रॉम अल्लाह सुबहाना व ताला वो अहकामात वो इल्म वो नूर वो रोशनी जो अल्लाह का पैगाम है कुरान और उनकी आयात की सूरत में दैट्स अब ये आपको समझ आ गई यहाँ तक होपफुली अब वो जो लाइट है वो जो बत्ती है वो है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक कि जिस जो भीगी हुई है उस तेल के साथ
यानी उनकी ज़ात में हमें कुरान की वो सारी खसूसियात, वो सारी क्वालिटीज़ हमें उसके अंदर वो हैं। और फिर जब उसके अंदर, जब हम अपने दिलों के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उस कुरान की रोशनी को मुखलसी के साथ जलाते हैं और मुखलसी लिट करते हैं, जब ये दोनों चीज़ों की मोहब्बत हमारे दिलों में जागती है, तो फिर क्या होता है? फिर रोशनी होती है हर तरफ। और वो जो रोशनी होती है, जो रोशनी क्रिएट होती है, यानी ये हम दिया, हमारे अंदर अल्लाह के अहकामात जाते हैं जो आए हैं ज़रिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जब वो उसके अंदर जाते हैं तो फिर जब वो हमारे अंदर जाते हैं और वो पहुँचे हैं हम तक, मोहम्मद आले मोहम्मद, जो उनका किरदार हमने देखा है और उनकी ज़िंदगियों में, वो जब हम देखते हैं और फिर जब हम उसको अपनी ज़िंदगी में ढालते हैं, अपनाते हैं और अपने अंदर एक फ़ाइट करते हैं, जलाते हैं अपने अंदर, जो हमारे अंदर की जो जिसे कहते हैं ना एक जंग होती है, जब अंदर 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 उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं उसको, तो फिर वो रोशनी और वो दिया जो है वो जलना शुरू हो जाता है। और वो ऐसी रोशनी होती है, ये रोशनी अल्लाह की किताब और आयमा मासूमीन और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बग़ैर मुमकिन नहीं है। ये जब ये मिसाल और ये दिया और ये सब चीज़ें मेरे जहन में आ रही थी, वाइल आई वॉज़ वॉकिंग एंड आई वॉज़ जस्ट थिंकिंग एंड दिस जस्ट होल थिंग केम टू माई माइंड एंड आई थॉट दैट शेयर इट विद यू, तो मुझे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद आई कि जो हिजरतुल विदा के मौके पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि मैं तुम्हारे बीच कुरान और अहले बैत छोड़ कर जा रहा हूँ। सो जस्ट इमेजिन कि हम अपनी ज़िंदगियों को किस तरह से पुरनूर कर सकते हैं, हम अपनी ज़िंदगियों के अंदर किस तरह से रोशनी ला सकते हैं। उसका तरीका यही है कि हम कुरानी अहकामात, जो कुरानी इल्म है वो, और मोहब्बत, मवद्दत और इश्क मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आले मोहम्मद अपनी ज़िंदगियों में भर लें, और फिर अपनी ज़िंदगियों को उस नूर से जिस तक चलाना शुरू करेंगे, तो फिर ये दिया जल जाएगा और ये दिया फिर हर किसी को रोशनी देगा, सिर्फ हमें रोशनी नहीं देगा बल्कि लोगों के लिए भी रोशनी का बायस बन जाएगा। एंड जब हम कुरान पढ़ते हैं या हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगियाँ देखते हैं, तो वहाँ पर आपको क्या नज़र आता है? वहाँ पर आपको नज़र आता है दे आर द वंस who are forgiving, they are the ones who forgive and forget, they are the ones who are always helping others, they are the ones who are always helping people to come towards noor, zulmat se nikal kar, burai se nikal kar, burai kya hai? Logon ko dukh dena, unnecessarily logon ki zindagiyon mein mushkil create karna, aaj kal hum sab yahi experience kar rahe hote hain, koi एक शख्स भी ये इनिशिएटिव ले ले, इनिशिएट करे अगर कि मुझे लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाना है, मुझे नहीं पता कि मेरी ज़िंदगी में एग्ज़िट करने का वक्त कब आ जाए, कब मैं इस दुनिया को खैरबाद कह के चली जाऊं और फिर मैं कभी भी यहाँ नहीं रहूँगी, सो व्हाट शुड आई डू? आई एम आस्किंग यू ऑल, डू यू नो व्हेन यू गोइंग टू डाई? वी डू नो व्हेन वी कम टू द वर्ल्ड, बट नन ऑफ अस इज़ श्योर, none of us knows when we are going to exit, none of us know that, that can be now, that can be after 5 minutes, that can be after 5 hours, that can be after 5 days, 5 years or 50 years, magar agar hum ye faisla kar lein ki hum apni zindagiyon ko is tarah guzarenge that this is my last day. बहुत सारी ऐसी बीवियाँ हैं, वाइफ्स हैं, जिनको अपने हस्बैंड से बहुत शिकायतें होती हैं, बहुत सारे ऐसे मदर्स हैं जिन्हें अपने बच्चों से बहुत सारी शिकायत, बहुत सारे पेरेंट्स, किड्स, बच्चे अपने बहुत शिकायत करते हैं। हाउ डू यू वॉन्ट टू बी रिमेंबर्ड? कैसे आप चाहते हैं कि आपको दुनिया वाले
याद रखें ऐसा कि वो मुझसे नाराज़ हुई थी तो सारी ज़िंदगी उसने नाराज़गी में गुजार दी. उसने मुझे जब भी उसने किया मेरा जब भी उसने किया मेरा दिल ही दुखाया. क्या आप चाहते हैं कि ऐसा लोग आपको याद रखें? आप कैसा चाहते हैं, आप कैसा चाहते हैं कि लोग आपके साथ, फॉर एग्जांपल एज आई हैव सेड, प्लीज़ डोंट माइंड अगर मैंने एक हार्श क्वेश्चन पूछा है आपसे, बट दिस इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ. कि आप ये सोचें तो सही कि अगर मेरे पास 5 घंटे हैं तो अगर आप 5 घंटे के बाद जा रहे हैं, हाउ डू यू वॉन्ट पीपल टू रिमेंबर यू एज अ ह्यूमन? क्या आप चाहते हैं कि लोग आपको इस तरह से याद रखें? वॉट एन एंजल शी वॉज, वॉट एन एंजल ही वॉज. शी ऑलवेज हेल्प्ड पीपल, शी ऑलवेज मेड अदर्स लाइफ ईजी, शी ऑलवेज फॉरगेव पीपल, she always forgot what people did with her, she always helped people, she always fed people. usne hamesha logon ko khana khilaya, usne hamesha logon ke chehron pe muskura. ya phir aap ye chahte hain ki usse to jab bhi maine manga wo chali to gayi is duniya se, magar usse jab bhi manga usne inkaar hi kiya. aaj tak kabhi mujhe usne kuch nahi diya. matlab kuch aise log hote hain na jo aapse mang, jab bhi usne baat ki mera dil hi dukhaya, jab bhi usne बोला कड़वा ही बोल बोला. उससे जब भी हमने कोई हेल्प मांगी उसने कहा मैं ही तुम्हें नज़र आती हूँ. हाउ डू यू वॉन्ट टू बी रिमेम्बर्ड? अ फ्यू क्वेश्चंस, अ फ्यू कमेंट्स आई विल शेयर एंड देन टूवर्ड्स. मैं बहुत ज़्यादा लंबा आज डिस्कशन नहीं करूँगी बिकॉज आई हैव टू गो समवेयर. सो लेट मी जस्ट रीड अ फ्यू कमेंट्स एंड देन आई एंड पे एक दो बातें आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी. अमारा अदील इज़ वॉचिंग अस. उमेवानिया अस्सलाम वालेकुम सिस्टर. आई वांट पीएमयू. आई डोंट नो व्हाट डज दैट मीन. अच्छा प्राइवेट मैसेज. अच्छा दिस इज प्राइवेट मैसेज. श्योर डू दैट. आप बिल्कुल मैसेज करें. आप जो मेरा मैसेज करेंगे मुझे प्राइवेटली वो मिल जाएगा. दैट्स नॉट एन इशू. यू कैन इनबॉक्स मी. आयशा अदनान बच्चे की कैसे कर सकते. आयशा अदनान आपने एक सवाल किया कि जवान बच्चे की मौत पर सब्र कैसे कर सकते हैं. उसके लिए आपको रुख करना पड़ेगा करबला का. ये जो जवान मौत होती है या कोई भी ऐसा मिसहैप हमारी ज़िंदगियों में होता है, हमारी ज़िंदगियों में कुछ भी हमारा है. हम पढ़ते हैं ना जिस किसी की डेथ हो जाती है तो हम कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. हम उसके हैं, उसी की तरफ से हैं और हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है. आपको क्या लगता है कि अगर अल्लाह की ज़ात ने आपको कोई बच्चा दिया है या आपको ब्लेस किया है किसी बच्चे के साथ, तो वो क्या वो आपका है? आपको सिर्फ उसकी टेक केयर करने के लिए अल्लाह ने वो आपको एक गिफ्ट दिया है. इसीलिए कहते हैं बच्चों की परवरिश ऐसे करें जैसे आप किसी गिफ्ट की गिफ्ट आपको मिलता है और उसको टेक केयर करें. कुछ भी हमारा अपना नहीं है, ये सब कुछ उसका है. हमारी अपनी ज़ात हमारी नहीं है, हम यहाँ पर अमानत हैं उस रब की. मैं दुआ करूँगी अल्लाह सुबहाना व ताला आपको सब्र अता करे. अल्लाह की ज़ात है जो अता करता है और अल्लाह ही की ज़ात है जो अपनी तरफ ले जाता है. सबसे पहले आप इस बात को एक्सेप्ट करें कि जो कुछ है उसका है, जो कुछ दिया है उसने दिया है. वो जब चाहता है वो दे देता है और वो जब चाहता है वो ले लेता है. जब इस बात को, इस रियलिटी को आप एक्सेप्ट कर लेंगी तो आपको सब्र आ जाएगा. और इस बात को भी याद रखें कि अगर आज ये जो दुनिया है ना, ये एक स्टेज है और इस स्टेज पे हमने अपने अपने कैरेक्टर्स करने हैं और वो कैरेक्टर्स करके हमने एग्ज़िट कर लेना है. हर इंसान का वक्त मुकर्रर है इस दुनिया में. एक जिस तरह से कैरेक्टर्स होते हैं ना स्टेज के ऊपर, चंद लोग आते हैं उनका 2 मिनट का कैरेक्टर होता है एंड देन दे लीव. फिर उसके बाद कुछ लोग आते हैं जो थ्रू आउट स्टेज के ऊपर रहते हैं, उनका वो कैरेक्टर होता है एंड देन दे लीव. सो सिमिलरली यही सारा सिनेरियो है इस दुनिया में. एक्सेप्ट करें अल्लाह की रज़ा है और उसके सामने हम कुछ नहीं कर सकते. जब ये एक्सेप्ट कर लेंगे आप तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी. अल्लाह सुबहाना व ताला आपकी ज़िंदगी मुश्किल है मगर अगर करबला का रुख करें, जहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे फरजंद ने
किस तरह से सब्र का मुजाहरा किया, ये सारी मिसालें हम लोगों के लिए हैं कि किस तरह से सब्र किया जाता है। अल्लाह से कहें कि अल्लाह ये तेरी रज़ा और मैं इस पे राज़ी हूँ, बारे में भी बताइएगा। इस हवाले से हम मज़ीद गुफ्तगू इंशाल्लाह कभी हुआ तो ज़रूर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप ही यू आर सच अ नाइस पर्सन। आयशा जी शान, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज, थैंक यू सो मच। सना खान, मौला आपको सलामत रखे, जजाकल्ला। रोज़ी रिजवी, वेल सेड, ग्रेट जॉब, थैंक यू रोज़ी। कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं? शहाना जफ़र, जजाकल्ला, सलामत रहिए। आयशा अदनान, प्लीज़, अच्छा ये बात हो गई। आयशा अदनान, मेरा बेटा गया है बट मुझे सब्र नहीं आ रहा। अल्लाह सुभान व तआला आपके लिए आपको सब्र अता फ़रमाए। आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपसे ज़रूर बात करूँगी। मौला आपके लिए आसानियाँ अता फ़रमाए। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सलामत रहिए, आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। सलमा बुखारी, मेरी प्यारी बहन, बहुत शुक्रिया। माई इंस्पिरेशन, माई मेंटर, माई आप ही प्राउड ऑफ़ यू, थैंक यू सो मच। फातिमा, आई होप यू आर फाइन एंड ऑल इज़ वेल एट योर प्लेस। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक हमें हर नेकी में पहल करने और नेकियाँ समेटने की तौफीक अता फ़रमाए। इलाही आमीन। दरूद शरीफ, इन्ना मा साबरीन, बहुत पढ़ा करें, अल्लाह ताला आपको सब्र अता फ़रमाए। बेशक, इस्लामाबाद में शॉप कहाँ है आपकी? आप ना एक लम्हे के लिए बस इमेजिन किया करें, इमेजिन करें कि आपके साथ अल्लाह का साथ है, बिकॉज़ आप सब्र करें और ये सोच कर सब्र करें कि अगर मैं सब्र करूँगी, आयशा अदनान आपसे मैं कह रही हूँ, तो आपको अल्लाह का साथ नसीब होगा। मुश्किल चीज़ है मगर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सिर्फ़ अपनी सोच को ये सोचें कि वो एक बेहतरीन मुकाम पे है, वो एक बेहतरीन जगह के ऊपर है और हम सबको एक एक करके उधर ही जाना है। सो हम सब तैयारी अगर करें, हर रोज़ लोगों के साथ अच्छाई करें, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी के लिए कोई बुरी बात ना करें, अच्छाई बांटने वालों में से हो जाएं, नेकियां बांटने वालों में से हो जाएं। जैसा कि ये एक मिसाल है आयशा अदनान के, 19 साल के बेटे जो हैं वो ऑल ऑफ अ सडन उनकी डेथ हुई। आपने लिखा नहीं, बताया नहीं, मगर वो अल्लाह सुबहान व तआला के पास चले गए, जहाँ से आए थे वहाँ चले गए। तो इसी तरह से हम सब की ज़िंदगियाँ अनप्रडिक्टेबल हैं, वी डोंट नो। सो प्लीज़ लिव दिस लाइफ सो दैट नॉट ओनली पीपल विल रिमेंबर यू एज एन एंजल, बल्कि ऊपर वाले एंजल्स जो हैं वो भी फ़ख्र करें कि इंसानों में भी ऐसे लोग होते हैं जिनकी ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो एंजेलिक होती हैं। जब ऐसा होगा तो इंशाल्लाह आपकी ये, जब हम इसके ऊपर वर्किंग करनी शुरू करते हैं ना अपनी ज़ात के ऊपर और अपने आप को बेहतरी की तरफ लेकर जाते हैं, तो आप यकीन कीजिए आपको जो सुकून मिलता है और जो खुशी मिलती है, दैट इज़ नॉट एक्सप्लेनेबल। सो योर हैप्पीनेस इज़ इनसाइड योर हार्ट, योर सॉरो इज़ इनसाइड योर हार्ट, योर लाइक यू नो, हर चीज़ आपके अपने अंदर है, बस उसको आपने निखारना है और उसको लेकर आना है। एंड लिव योर लाइफ, लोगों को माफ़ करें और माफ़ करके लोगों को उनकी की हुई गलतियों को माफ़ करें, उनको भूल जाएं, लोगों को एक्सेप्ट करें द वे दे आर। लोगों से मांगने की बजाय लोगों को देना शुरू कर दें, प्यार, मोहब्बत, खुशी, आसानी, इज़्ज़त, हर चीज़ जो आपको चाहिए वो लोगों को देना शुरू कर दें। लोगों की मदद करें, लोगों की ज़िंदगियों को मुश्किल बनाने की बजाय लोगों की दुनिया को आसान बनाएं। जो कुछ हो सकता है, चैरिटी, आपके पास पैसे नहीं है, नो प्रॉब्लम, जस्ट गिव अ स्माइल, जस्ट गिव पीपल टाइम, सो दैट आपकी चैरिटी के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई पैसे ही दें, कोई कपड़े ही दें, कोई खाने पीने की चीज़ दें, कुछ पहनने की चीज़ दें, कोई मटेरियल चीज़ दें, ऑल दीज थिंग्स, और कुछ नहीं तो लोगों को दुआ दें जो आपको तंग करते हैं, जो आपकी मुश्किल, आपकी ज़िंदगी को मुश्किल बनाते हैं, उनको दुआ दिया करें, उनके लिए आसानियाँ बांटा करें। इंशाल्लाह मज़ीद इस हवाले से बात करेंगे, मगर अपनी ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने करनी है वो ये है कि अपनी सोचों की हिफाजत करें। आप जो सोच का बीज बोएंगे,
درخت وہی نکلے گا. پازیٹیو سوچیں گے, اچھا سوچیں گے, جو لوگوں کے لیے سوچیں گے وہ الفاظ کی صورت میں باہر آئے گا, اور جو آپ سوچیں گے وہ آپ کی زندگی میں واپس آئے گا. سو تھنک گڈ اباؤٹ ادرس, ٹیک آؤٹ گڈ ورڈس فرام یور ماؤتھ اینڈ ریڈیئٹ پازیٹیوٹی ٹو دا ورلڈ. تھینک یو سو مچ, اپنا بہت خیال رکھیے, لک آفٹر یور سیلف, لک آفٹر یور تھاٹس, ٹیک کیئر آف یور آف دا پیپل آف پیپل اراؤنڈ یو, اور آسانیاں بانٹیں لوگوں کی زندگیوں میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.